नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में, वसई बस डिपो के बाहर, महानगर पालिका कार्यालय के नीचे हम यहाँ खड़े हैं। आज हम आपको ये दिखाने आए हैं कि अमूमन एक परिवार में झगड़ा होता है, एक घर में झगड़ा होता है, दो भाइयों में झगड़ा होता है, लेकिन क्या कहीं ऐसा सुना है कि दो विभाग में झगड़ा है? ऐसा ही कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। एक महानगर पालिका, दूसरा एसटी महामंडल, ये दो जो विभाग है, जो जनता के लिए काम आने वाले दो विभाग है, सरकार के अंडर में चलने वाले दो अलग अलग विभाग है, इनके बीच का झगड़ा है। और उसके क्या नुकसान, फ़ायदा तो है ही नहीं, लेकिन क्या नुकसान है हम आपको बताना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो पूरी जगह है, ये जगह है इस तरफ और इस तरफ, एसटी महामंडल की ये जगह है, एसटी महामंडल की जगह है। हालांकि एसटी महामंडल वसई विरार महानगर पालिका का ये पूरा एरिया यूज़ करता है, लेकिन उसके बावजूद एसटी महामंडल की इतनी दादागिरी है कि उन्होंने अपने यहाँ ये बैरिकेड लगा दिए कि आप हमारी सीमा में नहीं आ सकते हो। यहाँ से किसी भी तरह की वसई विरार महानगर पालिका या किसी और की गाड़ियों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये बाइक्स है, वो ठेकेदार पद्धति पर यहाँ पर उनको ठेका दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ, वो पार्किंग खड़ी है। बाकी किसी भी तरह के फोर व्हीलर हो, चाहे फिर उसमें एम्बुलेंस हो, चाहे रिक्शा हो, बुजुर्ग लोगों के लिए यहीं से हम इसी रास्ते से रेलवे स्टेशन भी जाते हैं, तो बुजुर्ग को रेलवे स्टेशन जाना हो उसको जाने के लिए ये रास्ता बंद कर दिया है। अब एसटी महामंडल की खुद की अपनी गाड़ी कहाँ से जाएगी अगर हम ये सोचें, तो इस रास्ते के पैरेलल में एक रास्ता यहाँ पर भी है। ये जो रास्ता है एसटी महामंडल का, इस रास्ते पर अभी ये रास्ता खुला हुआ है, लेकिन दिन के समय में सुबह 9 से 8 से दोपहर को 3-4 बजे तक यहाँ एक सिपाही रहता है और वो चेन लगाकर यहाँ पर खड़ा रहता है। सिर्फ एसटी महामंडल की बसों को यहाँ पर आने दिया जाता है, उसके अलावा किसी तरह के वाहन को यहाँ आने नहीं दिया जाता है। ठीक है, एसटी महामंडल की अपनी जगह है, उसकी अपनी मनमर्जी, लेकिन इसमें ये जो झगड़ा शुरू हुआ तो कहाँ तक पहुँचा? एसटी महामंडल ने जब किसी की भी गाड़ी, उसमें महानगर पालिका अधिकारियों की गाड़ी भी उसने रोकी, तब महानगर पालिका अधिकारियों ने एसटी महामंडल की लाइट बंद कर दी। अब इसमें महानगर पालिका का ये कहना है कि हमने लाइट बंद नहीं की, वो एरिया ही एसटी महामंडल का है और एसटी महामंडल को ही वहाँ लाइट जलानी है। लेकिन चूँकि महानगर पालिका एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है और कुछ समय पहले महानगर पालिका ने लाइट्स लगवाई थी, लेकिन एसटी महामंडल ने खुद ये बोला कि आप अपनी लाइट निकालो, और बीच में इस पूरे इतने बड़े क्षेत्र में कहीं पर भी लाइट नहीं है। रात के समय में सैकड़ों नहीं हजारों लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, बुजुर्ग आते हैं, बीमार आते हैं, और ऐसे समय में लाइट नहीं होने की वजह से गड्ढों में इसमें लोग गिरते हैं, कई परेशानियां लोगों को है। लेकिन यहाँ इन दो डिपार्टमेंट को लोगों की परेशानी का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इनके अपने झगड़े की बात है। रही बात एसटी महामंडल की अपनी जो बात है, एसटी महामंडल इतना भी ऐसा बोल सकते हैं कि जिद पे अड़ा हुआ है कि यहाँ एसटी महामंडल वसई विरार महानगर पालिका के बसों को तक घूमने की जगह नहीं देता है, सिर्फ बसों को टर्न होने की, इसकी वजह से ये रोड पर पूरा जाम लगता है। तो अब मुझे, मेरा सवाल ये है कि एसटी महामंडल किस आधार पर इस तरह की मनमानी और इस तरह की दादागिरी कर रहा है? क्या एसटी महामंडल जनता के भले के लिए नहीं है? आज के समय में एसटी महामंडल की काफ़ी कम बसें हैं जो सड़कों पर दौड़ रही है, और वो भी इंटरसिटी बस नहीं है। वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत प्रवास के लिए वसई विरार महानगर पालिका की बसें हैं जो इंटरसिटी पब्लिक को यातायात की सुविधा प्रदान करती है, लेकिन उसके लिए एसटी महामंडल जगह देने को तैयार नहीं है। अब हमने आपको बताया, अभी शाम का समय है, अभी यहाँ पर अवैध पार्किंग भी शुरू है, सब कुछ शुरू है, और उसके अलावा यहाँ पर इल्लीगल धंधे होते हैं, उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसकी बात करना ही बेकार है, लेकिन वो हकीकत है। अब हम अंदर चलते हैं आपको, तो आप देख सकते हैं इस समय हम ये अंदर जहाँ ये पोल लगा हुआ है, यहाँ आए ये पोल, इस समय यहाँ से सभी लाइट निकाल दी गई है। इसके बारे में हमने जब जानकारी लेनी चाही तब महानगर पालिका का ये कहना था कि हमारे अंडर में नहीं है और ये एसटी महामंडल की जिम्मेदारी है,
लेकिन इससे क्या तकलीफ हो सकती है आपको? वीडियो में शायद मेरा चेहरा भी बराबर से दिखाई नहीं दे रहा होगा। यह यहाँ अंधेरे का आलम है, इतना बड़ा ये क्षेत्र है जहाँ से लोगों को आने जाने में, बुजुर्गों को, बीमार को आने जाने में तकलीफ होती है। कई बार लोग यहाँ गिर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों डिपार्टमेंट, जो एसटी महामंडल और वसई विरार महानगर पालिका, इनकी आपसी लड़ाई और आपसी रंजिश जो है यहाँ लोगों के लिए नुकसानदायक हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों पर प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा और आला अधिकारी, चाहे फिर एसटी महामंडल के हो, चाहे वसई विरार की महानगर पालिका को, उन दोनों को एक साथ में मिलकर कुछ ना कुछ का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जब ये एसटी महामंडल ने अपना रास्ता बंद किया, तो कहीं ना कहीं उसकी टीस वसई विरार महानगर पालिका को भी है, उनको अपनी गाड़ियां यहां खड़ी नहीं करने मिल रही है। इसको लेकर भी उनमें आक्रोश है। हमने जब जानकारी निकाली, हमने उनको पूछा कि ये लाइट क्यों ख़राब है, तो उन्होंने यहां तक कहा, ऑफ द रिकॉर्ड यहां तक कहा कि हमारी गाड़ी रिपेयर करने के लिए जो बड़ी गाड़ी आती है उसको भी एसटी महामंडल परमिशन नहीं देता है, और अगर वो परमिशन नहीं देते तो हम उनकी जगह में क्यों अपनी रिपेयरिंग करें। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं फिर एक बार वही चीज़ है कि दो डिपार्टमेंट, एसटी महामंडल और वसई विरार महानगर पालिका, इनके बीच जो कुछ चल रहा है, वो चाहे इनका भले का हो या ना हो, लेकिन जनता के लिए वो नुकसानदायक, सिर्फ नुकसानदायक है। यहाँ अगर कोई कभी बड़ा हादसा हो जाए, किसी के साथ अनहोनी घटना हो जाए, तो क्या ये दोनों डिपार्टमेंट अपने पर लेंगे? और यही रेलवे के लिए आने जाने का रास्ता है, तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग यहाँ से हर रोज़ इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मेरा मकसद इस खबर को बनाने का सिर्फ यही है कि चाहे आपके दोनों डिपार्टमेंट के बीच में जो कुछ भी हो, लेकिन जनता के बारे में सोचिए, और जनता को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर आप इस पर जल्द से जल्द कोई निपटारा कीजिए। हमने इस बारे में एसटी महामंडल के अभी किसी अधिकारी से बात नहीं की। हम कोशिश करेंगे कि एसटी महामंडल के किसी अधिकारी से बात की जाए, और ज़रूर उनसे बात होगी तो हम आपको आगे अपडेट देंगे। और जैसा कि वसई विरार महानगर पालिका के कुछ कर्मचारियों से, बिजली विभाग के कर्मचारी से हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी, तो उन्होंने जो कहा मैंने आपको आगे कहा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। जो भी है सर, आपका नाम क्या है? अमित तिवारी। सर एग्जैक्टली क्या है कि ये जो लाइट इशू है ना, लाइट इशू का कारण ये है कि आदमी लोग आते जाते रहते हैं पैदल, उनको दिखाई नहीं देता, कोई एक धक्के से ठोकर ला के वो गिर जाता है नीचे, मतलब किसी का सामान वगैरह नीचे गिर गया उसको उठाने में तकलीफ होता है। मतलब इस लाइट का इशू जो है ना, बहुत बड़ा इशू है। इसको आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करवा दीजिए। ये हमारे पब्लिक लोग के लिए है ऐसा, जो दूसरे लोग हैं उस रास्ते से चले जाते हैं, ऐसे घूम कर चले जाते हैं। ये जो लाइट इशू है, इसको जितना जल्दी हो सके रिपेयर करा दीजिए, क्योंकि जो पब्लिक लोग आता जाता रहता है ना, उनको दिक्कत होता है, इसके दिक्कत का परेशानी जो है उसको कर रहे हैं सामने से। तो जितना जल्दी हो सके ये लाइट जो है इसको बनवा दें, क्योंकि पब्लिक जितने वार्ड हैं, जितने आते जाते रहते हैं, सब पब्लिक का है, लेकिन किसी को दिखता ही नहीं कुछ। अंधेरे में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, किसका सामान किधर है, किसका को चप्पल छूट जा रहा है, क्या हो जा रहा है, इसका इशू के कारण हो रहा है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको बनवा दीजिए, बस यही है अपना रिक्वायरमेंट। आपका नाम क्या है? प्रेमचंद चौहान हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं परसों आया था गाँव जाने के लिए, तो मैं बाथरूम में गया बैग रख के आया, उसके बाद क्या किया, पहले रंगी, यहाँ पूरा लाइन से रंगी खड़ी करती है। यहाँ पे रंगी ने दो गुंडे को बुला के मेरे ज़बरदस्ती जेब चेक करके मोबाइल वोबाइल सब ले लिया। लेने के बाद मैं पब्लिक को बोला था, यहाँ पब्लिक भी यहाँ पे लुखे लो रहते हैं ना उन लोगों के साथ में, तो मेरे साथ में क्या किया, मेरे को मारा लोग, मेरा टका चला हुआ है, मेरे को मार के फिर पैसा वैसा सब मोबाइल वोबाइल सब ले कर चला गया। यहाँ पर मतलब क्या होता है, जैसा खाली रंगी लोग रहती है और गुंडा के साथ में लेकर रहते हैं, कि कोई भी जो भी हैं डिपो वाले, डिपो को बोला जाके तो बोलता पुलिस कंप्लेन करो। पुलिस कंप्लेन हम किसके ऊपर करेंगे, हम जब जानते ही नहीं हैं उसका घर ना ठिकाना ना कुछ, तो हम किसको हम करेंगे। ऐसा ही यहाँ पे चल रहा है, यहाँ रंगी बाजी का काम चलता है डिपो के अंदर। अपने चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।